24 News, जज्बा सच दिखाने का। बुलंदशहर में 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान AIMIM के प्रत्याशी ने चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की पार्टी ASP के प्रत्याशी के समर्थकों पर सभा के दौरान मारपीट कर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। जबकि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने ट्वीट कर बुलंदशहर में हुई जनसभा के बाद विपक्षी दलों के समर्थकों द्वारा काफिले पर फायरिंग करने का दावा किया है। हालांकि बुलंदशहर पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तस्वीरें बुलंदशहर के मोहल्ला रुकन सराय की है, जहां अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रत्याशी दिलशाद और चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की पार्टी ASPA के प्रत्याशी हाजी अमीन के समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद हुई अफरा तफरी का माहौल है। रविवार शाम मोहल्ला रुकन सराय में AIMIM के प्रत्याशी दिलशाद नुक्कड़ सभा कर रहे थे। आरोप है कि तभी हाजी अमीन अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और वहां ASPA के कार्यकर्ताओं ने AIMIM के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। में हम कसाई बाड़े वाला जो रोड है ना, वहाँ से हमने कन्वेंस करते हुए जा रहे थे। 10-20 लोग थे हम सारे कार्यकर्ता, वहाँ गाड़ियों का बहुत काफिला था। हमें पता नहीं था कि यहाँ पर कुछ और पार्टी के लोग भी दावत है, रावण की दावत थी शायद। जब हम करीब पहुंचे तो काफिलो बीच में एक बेलरो लगा दी, हम कट के निकल गए, हमें जान दो कोई बात नहीं है। जब हम मस्जिद पे पहुंचे हैं तो उन लोगों ने तालियां बजानी शुरू करी, मुझे लोगों ने मेरे कार्यकर्ता स्टेज पे ले लिया। स्टेज पर आने के बाद में लोगों का नारा आया कि इसे मार दो, आज गंदी गंदी गालियां बकी। हमारे लोग पीछे था, मेरे भाई हैं निसार अहमद, उनके ऊपर कुर्सी फेंक के मारी। उनका एक भाई है रईस अहमद नाम है उसका, तो यामिन प्रत्याशी का भाई है, बदमाश रह चुका है, अभी भी बदमाश है। एक जो नाम का बदमाश है कसाई बाड़े में रहता है। उन्होंने कहा इसको आज मार ही दो, लेकिन उन्होंने मारने की बात की, हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें घेर लिया पीछे से। हमारे अगर कुछ ऐसा लगा, कुछ किसी ने लगा रखा है, हमारे कार्यकर्ताओं को हाथ मारा और हमारे उन्होंने लात मारी। फिर हम नीचे उतर के वहां से नीचे को उतरे तो हमारे एक लात में एकदम नाले में जाके पड़े। फिर उन्होंने पकड़ के हम पे वार करना चाहा, लेकिन हम कपड़े पड़ा छोड़ के निकल कर आ गए और हम बाहर निकल के जंगल के रास्ते से गाड़ियां हमने बुलाई निकली है। वहां पर बहुत हंगामा हुआ है, हजारों की पब्लिक थी और वो ये चाह रहे थे कि किसी तरह में नुकसान देते किसी तरीके से भी। हमने आप लोगों के सामने ये कहा, लोगों से मालूमात पड़ी आप लोगों के बीच में सारी चीजें ये। लेकिन इसका सबसे बड़ा मामला ये है कि MIM का परचम यहाँ लहरा है। अल्लाह का शुक्र है हम यहाँ पे जीत प्राप्त करने के पूरे पूरी तैयारी में हैं। इन लोगों की नींदें उड़ी पड़ी शायद, मुझे लगता है उसी का रिएक्शन है। लेकिन हम तो सज्जन प्रत्याशी हैं, हमने बार बार आप मीडिया से पूछा, कहा था ये क्रिमिनल लोग हैं, इनकी जांच कराई जाए, इनसे करें हमारी जान को खतरा है। आप लोगों के माध्यम से हमने पिछली बार भी कहा था चुनाव नॉमिनेशन वाले दिन बटे हुए हैं, मार मुझ में लगी है, अगर मैं फायरिंग करता तो वहां से हटता क्यों? सिंपल हिसाब है, आप भी समझ सकते हैं चीज को। भागने वाला इंसान फायरिंग करेगा कभी क्या? कड़ा कड़ा कर दूंगा मीडिया। कंप्लेंट दिया आपने? जी मैंने कंप्लेंट दिया, पुलिस ने मेरी सहयोग किया है। मुझे अभी तत्काल में 2 गार्ड दिए गए हैं जो पहले मेरे पास नहीं पहुंचे थे, गनर दिए गए हैं और मेरी एप्लीकेशन नोट हो गई, मुकदमा मेरा दर्ज होगा इंशाल्लाह। और मैं फिर अपील करता हूं आप लोगों से, ये क्रिमिनलों की लॉबी है, ये बहुत बड़ी साजिश है इन लोगों की हमें खत्म करने की। और आज कम से कम बुलंदशहर के अंदर 250 बदमाश आए हैं, मैं पुलिस से कहूंगा इनकी जांच करें। पहले मुझे केवल मेरे कार्यालय पे लोग आए थे, जो रिजवान जो नाम का आदमी है, उस यामिन का परचम लेके आया था कि तम बैठ जाओ, तुम्हारा भाई है वो। मैंने कहा भाई मैं आरक्षण लड़ूंगा। फायरिंग वहां पर आवाज आई है, मैं फायरिंग किधर कोई आई डोंट नो, मेरे लगी तो है नहीं, लेकिन वहाँ आवाज आई है पिट 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 करके, मैंने भी सुनी, लोग भग गए थे वहां से। सर मैं आज फिर इस वाले बात को रिपीट करता हूँ, आज तो मैं बच गया हूँ। इनकी पूरी चाल है यहाँ पर मुझे मारने की, MIM को खत्म करने की, लेकिन मैं बाज नहीं आने वाला। मैं जिंदा रहूंगा तो लड़ता रहूंगा, इनको मुझे हटाना तो मारना पड़ेगा। इन्होंने सोच लिया ऐसे मारेंगे, वहां नारे लगाकर कहा है कि इसको मार दो, इसको मार दो। AIMIM प्रत्याशी दिलशाद के साथ मारपीट की गई, दिलशाद के कपड़े भी फट गए और कार्यकर्ताओं ने भागकर अपनी जान बचाई। मामले में दिलशाद ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है, जबकि ASPA के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ट्वीट कर अपने काफिले पर फायरिंग किए जाने का दावा किया है। हालांकि पुलिस भी चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर फायरिंग के ट्वीट को लेकर गंभीर है और दावा कर रही है कि चंद्रशेखर आजाद की ट्वीट के संबंध में अभी तक कोई पुष्टि जानकार पुलिस को नहीं मिली है। ये कतिपय समाचार चैनलों पर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद पर हमले की बात और फायरिंग की बात चलाई जा रही है, जो किसी भी तरह से अभी तक पुष्टिकारक नहीं है। हाँ ये है कि आज आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी अमीन और MIM के प्रत्याशी दिलशाद, ये दोनों लोग चुनाव प्रचार में रुकन सराय कोतवाली नगर बुलंदशहर में गए थे, जहाँ इनके कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में गाली गलौज की सूचना थी। जैसे ही सूचना मिली तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच गई, दोनों पक्ष वहां से हट गए थे। फिलहाल दोनों पक्षों से
बात की जा रही है, अगर कोई तहरीर देते हैं तो तदनुसार अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन जहां तक हमले की बात है, अब तक इस संबंध में कोई पुष्टिकारक बात जानकारी नहीं आई। एसएसपी संतोष कुमार की ओर से दावा किया जा रहा है कि मामले की गहन जांच कराई जा रही है, जबकि समाचार लिखे जाने तक पुलिस अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं होने का भी दावा कर रही है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।